धीरे सर कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसके अंदर हमने जो चैप्टर सेलेक्ट किया है वो है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। इस चैप्टर के बारे में बहुत सारे विद्यार्थियों ने, बहुत सारे छात्र और छात्राओं ने भी रिक्वेस्ट डाला हुआ है कि इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम वीडियोज की अपडेट्स उनके पास कंटिन्यू जानी चाहिए। और हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के फ़ायदे के लिए, आप लोगों के हित के लिए इस चैनल पर आपकी यह रिक्वेस्ट स्वीकार की जाए और आपके रिक्वेस्ट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के इस चैप्टर की वीडियो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एक एक करके आपके समक्ष प्रस्तुत की जाए। सबसे पहले हम इस चैप्टर्स की उन तमाम प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेंगे जिसमें इसका अर्थ और इसके निर्धारण की विधि, ठेका लागत निर्धारण विधि की विशेषताएं, ठेका के प्रकार, इन चार शब्दों को, इन चार मुद्दों को हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और इन शब्दों के द्वारा ही आपको इसका अर्थ, इसकी विशेषताएं और इसकी विधियां और इसके प्रकार आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये ठेका है क्या। ठेका वो मत समझ लेना जो ठेका लोग जाते हैं शाम को, कुछ लोग सुबह को जा करके अपना बोतल लेते हैं। बहुत सारे बच्चे जैसे ही हम क्लास में नाम लेते हैं ना, आज चलेगा ठेका खाते, तो बिल्कुल एकदम बच्चों के माइंड में ठेका वही आ जाता है, पीने पिलाने वाला, ठेके वाला। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है भाई, ठेका एक ही नहीं होता, दूसरा ठेका भी है, मकान बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए, बांध बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, जो कॉन्ट्रैक्टर बड़े बड़े होते हैं, जो इन सब चीज़ों का निर्माण करते हैं, उस चीज़ से संबंधित हमारा ये चैप्टर है। इसको हम ठेठ शब्दों में समझें कि अगर ठेका अगर क्या है, तो इसका मतलब ये होता है कि एक निश्चित मूल्य पर अगर माल की आपूर्ति की जाए, कोई कार्य किया जाए और उससे संबंधित जो समझौता होता है दो पक्षों के बीच में, एक तो वह जिसे अपना काम करवाना है और एक वह व्यक्ति जिसे काम करना है। जिसे काम करवाना है वो तो ठेका दाता हो गया और जो व्यक्ति काम करके देगा वो ठेकेदार हो गया। उन दोनों के मध्य एक ऐसा समझौता होता है जिसके अंतर्गत किसी निश्चित कार्य को किसी निश्चित समयावधि में एक निश्चित राशि या मूल्य पर करने का वचन दिया जाता है। ज़्यादातर देखने में आता है कि जो ठेका होता है, ठेकेदार ठेकादाता से जो राशियां प्राप्त करता है वह काम के ऊपर ही निर्भर करता है। यदि काम पूरा हो जाता है तो ठेकादाता संपूर्ण पैसा, संपूर्ण भुगतान, मकान बनाना हो, भवन बनाना हो, रोड बनाना हो, सड़क बनाना हो, पुल बनाना हो, बांध बनाना हो, इन तमाम चीज़ों के निर्माण के लिए अगर ठेकेदार कुछ कार्यों को एक वर्ष के अंदर ही पूरा कर लेता है, परंतु कुछ कार्यों को वह काफ़ी लंबे समय तक खींच लेता है, एक साल, दो साल, तीन साल तक ठेके चलते रहते हैं। बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनका ठेका काफ़ी लंबे समय तक चलता है, तो जिस प्रकार से वो ठेका धीरे धीरे पूरा करता है, तो ठेकादाता जो होता है, कॉन्ट्रैक्टी जिसे हम बोलते हैं, वह धीरे धीरे ही उसका भुगतान भी करता है। तो जो अगर हम बात करें इंग्लिश में, तो भाई कुछ बच्चे कहते हैं सर हिंदी में समझाइए, कुछ बच्चे कहते हैं इंग्लिश में समझाइए। अब हम इंग्लिश की अगर बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, ठेकेदार होता है, वह मकान, पुल, भवन, बिल्डिंग, ये तमाम चीज़ों को बनाने का काम करता है। और जो व्यक्ति इस कार्य को करवाता है, यानी जो व्यक्ति पैसा देगा और अपना काम करवाएगा, वो कॉन्ट्रैक्टी होता है। इस प्रकार से आपको समझना होगा कि कॉन्ट्रैक्टी वह व्यक्ति है जिसे अपने काम को पूर्ण करवाना है, और कॉन्ट्रैक्टर यानी ठेकेदार वह व्यक्ति है जो काम को करके देगा और बदले में पैसा लेगा। ये हो गया अर्थ की बात। अब बात करते हैं कि ठेका लागत निर्धारण की विधि क्या है। विधि से पहले ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि ठेके में जो ठेका है उसकी विशेषता क्या है। तो ठेका की पहली विशेषता है कि प्रत्येक ठेका ज़्यादातर एक निश्चित राशि के लिए ही किया जाता है।
जिसे हम ठेका मूल्य कहते हैं। दूसरी विशेषता है ठेका देने वाले को ठेकादाता, जिसे हम कॉन्ट्रैक्टी कहते हैं, और जो ठेके पर काम करने वाला व्यक्ति है जिसे हम ठेकेदार कहते हैं, वह व्यक्ति कॉन्ट्रैक्टर होता है। उसके बाद नाम आता है सामान्यतः जो ठेका होता है, ये ठेके का जो भुगतान होता है ठेकेदार को, उसके कार्य पूरा होने पर ही संपूर्ण भुगतान दिया जाता है। यानी यूं कहिए कि ठेकेदार को ठेकादाता से, यानी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्टी से, अपने कार्य के बदले में जो भुगतान मिलना होता है, वह भुगतान उसके कार्य पूरा होने पर ही संपूर्ण तौर पर प्राप्त होता है। जब तक कार्य पूरा नहीं होगा तब तक संपूर्ण भुगतान वो नहीं प्राप्त करेगा। अब हम बात करेंगे ठेका लागत निर्धारण विधि क्या है। ठेका लागत निर्धारण विधि का मतलब क्या है? ठेका लागत निर्धारण विधि लागत लेखांकन की ही बहुत अच्छी विधि है। यूँ कहिए कि ठेका लागत निर्धारण विधि जो है वो लेखांकन की ऐसी विधि है जो उन व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा अपनाई जाती है जो भवन निर्माण, सड़कें, बांध, नहर, रेलवे लाइन, पुल, पाइपलाइन, पानी, तेल, गैस, मल निकासी इत्यादि, अस्पताल निर्माण, स्कूल कॉलेज भवन का निर्माण, ये तमाम चीज़, ये सारे कार्य ठेके पर लेकर के पूरा करते हैं। अन्य व्यवसाय और उद्योगों की भांति उन्हीं की तरह ही ठेकेदार भी प्रत्येक ठेके के संबंध में लागत व आय की पूर्ण जानकारी लेना चाहता है। वो भी चाहता है कि जो भी हम काम करेंगे उस कार्य को करने के लिए आखिर खर्चा कितना आएगा, और उस खर्चे के बाद उसे अपने प्रॉफिट मार्जिन को भी ध्यान में रखना होता है कि क्या इतना सारा काम करने के बाद क्या मुझे कुछ फ़ायदा होगा या नहीं। इस प्रकार से ठेका लागत विधि का जो मुख्य उद्देश्य होता है, ठेका पूरा होने पर या समय समाप्त होने के बाद उसका जो एक प्रत्येक स्तर पर, यानी हर लेवल पर उसको जितनी लागत आएगी और कितना उसका इनकम प्राप्त होगी, यानी कितना उसको आय होती है, उन सब के हिसाब रखने से है, जिससे कि संबंधित ठेके की कुल लागत उसे आसानी से ज्ञात हो जाए और उस ठेके पर जो लाभ या हानि का, मतलब जो लाभ या हानि हो रही है, उसका भी उसे ज्ञान अच्छी तरह से प्राप्त हो सके। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ठेका लागत निर्धारण का मतलब होता है ठेके की लागत, यानी उसकी कॉस्टिंग करना कि आखिर इस ठेके को पूरा करने में कितना खर्चा आएगा, कितना मनी, मटेरियल, मशीनरी, तमाम चीज़ों को मिला करके आखिर कितनी लागत आएगी, जिससे वह कार्य ठेकेदार के द्वारा, कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा पूरा हो सकता है। अब हम बात करेंगे ठेका लागत निर्धारण विधि की आखिर विशेषता क्या है। तो विशेषताओं के बारे में अगर हम बात करें, यानी फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, तो इसकी जो पहला फीचर है वो है प्रत्येक ठेके का एक पृथक खाता खोला जाता है, जिससे कि उस संबंधित ठेके पर लाभ या हानि का पता लगाया जा सके, उस कॉन्ट्रैक्ट पे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है उसका अच्छी तरह से पता लगाया जा सके। दूसरा विशेषता है कि ठेका लागत विधि में, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड यूज किया जाता है, प्रत्येक ठेके को एक पृथक लागत की इकाई मान करके इसकी लागत निकाली जाती है। यानी मान लो मेरे 5 ठेके चल रहे हैं, तो मैं मान लो एक जगह मैं सड़क बनाने का काम कर रहा हूँ, एक जगह भवन बना रहा हूँ और एक जगह रेलवे लाइन बिछा रहा हूँ, तो मैं तीनों जगह अगर ठेका ले रखा हूँ तो मुझे तीनों जगह की अलग अलग कॉस्टिंग करनी है और तीनों जगह की अलग अलग से हमें प्रॉफिट का पता लगाना होगा। तीनों का हिसाब किताब हम एक जगह नहीं रखेंगे, नहीं तो ये पता ही नहीं चलेगा कि हमें किस कॉन्ट्रैक्ट पर फ़ायदा हुआ और कितना फ़ायदा हुआ। तीसरी विशेषता है ठेकों का निर्माण जो होता है उसका कार्य कारखाना भवन से बाहर ठेके के कार्यस्थल पर किया जाता है। यानी ठेका जो होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं अपना, मेरा ऑफिस है गाजियाबाद में, और मैं अब गाजियाबाद में अगर मेरा ऑफिस है तो मैं अपने ऑफिस के आगे पीछे नहीं बनाऊंगा, मैं अपने ऑफिस के कम से कम जो ठेका लूंगा कहीं भी ले सकता हूं, अपने ऑफिस से मतलब 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, अगर मैं जितना ज़्यादा मशहूर हो जाऊँगा अपने साइट उतनी ही बढ़िया चलाऊंगा और उतने ही ज़्यादा मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट आएंगे और उस कॉन्ट्रैक्ट से उतना ही ज़्यादा मुझको प्रॉफिट मिलेगा। ये विशेषता
थोड़ी सी अटपटी सी लगती है, लेकिन इसका मुख्य मतलब यही होता है कि जहाँ पर ठेके का कार्य चलता है वो ठेका जो ऑफिस होता है ठेकेदार का, उससे आसपास कहीं भी वो ठेका ले सकता है। उसके जरूरी नहीं है कि वह अपने आजू बाजू में ही ठेकेदारी का काम करे, वह कहीं भी ठेका ले सकता है जहाँ से भी उसको ठेके मिल रहे होंगे कार्य करने के लिए। जहाँ से भी डिमांड आएगी वह वहाँ से भी ठेका का कार्य संपन्न कर सकता है। अगली विशेषता है, प्रायः ठेका अवधि लंबी होती है, यानी कि जरूरी नहीं है कि ठेके का कार्य एक वर्ष में पूरा हो जाए। बहुत सारे ठेके ऐसे होते हैं जो एक वर्ष से ज़्यादा समय ले सकते हैं। तो इस प्रकार से इसकी अगली विशेषता है कि ठेका अवधि जो होती है वह छोटी भी हो सकती है, यानी एक वर्ष के अंदर ठेके पूरे हो सकते हैं और एक वर्ष से अधिक में भी पूरे हो सकते हैं। पाँचवीं विशेषता है, ठेके से संबंधित कुछ विशेष कार्य होते हैं वह उप ठेकेदार से कराया जाता है, जिसका ठेकादाता से कोई संबंध नहीं होता है। उप ठेकेदार वाला काम क्या होता है, मान लीजिए मैंने कोई कार्य ले लिया है करने के लिए, अब सपोज करिए कि उस कार्य को करने के लिए मैं कुछ हिस्सा मैं खुद नहीं कर सकता हूँ, उस हिस्से को मुझे किसी से करवाना पड़ेगा, तो मैं उसका कुछ भाग मैं किसी दूसरी पार्टी से करवा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यदि मान लीजिए मैंने सड़क बनाने का ठेका लिया, लेकिन नाली बनाने के लिए मिस्त्री वगैरह हमारे पास नहीं है, लेकिन सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हम लेते हैं, सड़क बनाएंगे, तो मैं नाली बनाने का जो ठेका है वह मैं किसी दूसरे व्यक्ति को हायर कर सकता हूँ, उसको ठेके पे दे के भाई लंबाई चौड़ाई बता करके पूरे नाली का ठेका मैं उसको दे करके नाली का निर्माण करवा सकता हूँ। इसे बोलते हैं उप ठेका। तो वो जो उप ठेका होता है, वो जो ठेकेदार होता है उप ठेकेदार होता है, यानी सब कॉन्ट्रैक्ट और सब कॉन्ट्रैक्टर, इस प्रकार का जो कॉन्ट्रैक्ट करवाया जाता है उसे सब कॉन्ट्रैक्ट, और जो ठेकेदार होता है उसे सब कॉन्ट्रैक्टर कहा जाता है। अगली विशेषता इसकी है, जब ठेका अवधि लंबी होती है तो ठेकेदार प्रमाणित कार्य के एक निश्चित प्रतिशत के बराबर ही भुगतान प्राप्त करता है। शेषी जो शेष राशि होती है, बाकी की बची रकम, जो बाकी की बची रकम होती है उसका भुगतान संपूर्ण कार्य होने पर ही किया जा सकता है। बीच में ठेकेदार को अपने भुगतान पाने के लिए उसको वो कहेगा तो जरूर भुगतान के लिए, परंतु ज़्यादातर जो अच्छे ठेकेदार होते हैं वो नहीं कहते, क्योंकि उन्हें पता जब हमने काम पूरा करा ही नहीं है तो हम पूरा पैसा मांग कैसे लेंगे। उसके बाद अगली विशेषता है, यदि निर्धारित अवधि में ठेका कार्य पूरा न हो तो ठेकादाता काम में देरी के लिए ठेकेदार से समझौते के लिए जुर्माना भी वसूल सकता है। यानी मान लीजिए मैंने किसी को कहा है कि भाई इस कार्य को आपको 6 महीने में करना है, अगर 6 महीने से आपने एक भी दिन देरी की तो मैं आपसे 5,000 रुपये पर डे वसूलूंगा। इसका मतलब ये होता है कि जो कॉन्ट्रैक्टी है, जिसने मकान बनाने के लिए या कुछ कार्य करने के लिए ठेका दिया है, तो वह ठेकेदार से पहले ही एग्रीमेंट लिखवा लेता है कि आपको इतने दिन में काम करके देना है, अगर आप काम नहीं कर पाओगे तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, पेनल्टी आप पे लगेगी, आप पे फाइन लगेगा। वो पर डे के हिसाब से हो सकता है, पर मंथ के हिसाब से होगा, जैसा भी होगा वो तो एग्रीमेंट में आपस में समझ बूझ लेंगे वो। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होता है, इसको आपने समझ लिया है। यानी एन एग्रीमेंट ऑफ सप्लाई गुड्स डू वर्क एक्सेट्रा एट ए फिक्स प्राइस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। एक एग्रीमेंट, एक समझौता जो कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच में किसी कार्य को करने के लिए एक निश्चित समय पर पूरा करने के लिए एक निश्चित मूल्य पर किया जाता है, उसी को ही ठेका कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक सटीक परिभाषा या एक सटीक अर्थ अगर हम ठेके के बारे में जानने की कोशिश करें तो इसका मतलब होता है ठेकेदार तथा ठेकेदाता, यानी ठेकेदार तथा ठेकेदाता के मध्य तय हुई शर्तों के अनुसार ठेका एक ऐसा समझौता है जिसके अंतर्गत किसी निश्चित कार्य को निश्चित समय में एक निश्चित धनराशि या मूल्य पर करने का वचन दिया जाना ही ठेका कहलाता है। अब हम ठेके से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेंगे जिससे हम इसके
प्रश्न को, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को और भी अच्छी तरह से समझेंगे और जानेंगे कि आखिर इससे संबंधित, इस चैप्टर से संबंधित जो प्रॉब्लम होती है आखिर वह किस प्रकार की होती है। तो इसकी जो पहली प्रॉब्लम आपके सामने स्क्रीन पर आ रही है लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में, वो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आप देख रहे हैं, और अब हम उसी का ही सॉल्यूशन आपके पास ला रहे हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है 1 जनवरी 2019 को मिस्टर राजन द्वारा लिए गए ठेके का मूल्य 5 लाख रुपए था। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर क्वेश्चन तो इंग्लिश में होगा लेकिन आप पढ़ रहे हैं हिंदी में, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी भारत की सरकार इस वक्त हिंदी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना होगा कि जितनी तरजीह, जितनी रिस्पेक्ट आपको इंग्लिश की करनी पड़ रही है उससे कहीं ज़्यादा अब आपको हिंदी की भी करनी पड़ेगी। फिलहाल आपकी मर्जी है कि आप इंग्लिश में समझें या हिंदी में, परंतु हम क्वेश्चन आपको हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों में ही पढ़ के सुना देंगे। यहाँ पर 1 जनवरी 2019 को मिस्टर राजन द्वारा लिए गए ठेके का मूल्य 5 लाख रुपए था। ठेके पर निम्नलिखित व्यय हुए। यहाँ पर मिस्टर राजन एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, एक ठेकेदार हैं, इन्होंने ठेका लिया है किसी काम को करने के लिए। उनके यहाँ पर जो मटेरियल कंज्यूम हुआ है वो 1,25,000 का है। 30 सितंबर 2019 को इनके पास जो मटेरियल इन हैंड है वो 40,000 यानी 40,000 का है। वेजेज यानी मजदूरी 60,000 की है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 64,000 यानी 64,000 का है। प्लांट जो परचेज किया गया है वो 80,000 यानी 80,000 का है। 30 सितंबर 2019 को ठेका पूरा हो गया। ठेका चला कब है? 1 जनवरी को, और बंद कब हुआ है? 30 सितंबर 2019 को कंप्लीट हो गया। ठेका मूल्य प्राप्त हो गया। प्लांट पर 20% की दर से डेप्रिसिएशन काटने के लिए कहा गया है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है, 20% के आगे प्रति वर्ष या पर एनम शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, तो डेप्रिसिएशन समय के आधार पर नहीं कटेगा। और मजदूरी का 20% इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए चार्ज करने के लिए कहा गया है। ठेकेदार की पुस्तकों में, जो ठेकेदार है उसकी पुस्तकों में ठेका खाता और ठेकादाता खाता बनाइए। कॉन्ट्रैक्टर की बुक में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट दोनों को तैयार करने के लिए कहा गया है। और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो 5 लाख का है। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस यहाँ 5 लाख का है और इसकी अदर इन्फॉर्मेशन पीछे दी हुई है जो कि यहाँ पर है। यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे है मटेरियल कंज्यूम। तो अब सवाल के प्रॉब्लम को सोल्यूशन की ओर चलते हैं और देखते हैं कैसे इसको सोल्व किया गया है। सबसे पहले आपको लिखना होगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। इस प्रकार से इसका फॉर्मेट आपको तैयार करना होगा, पार्टिकुलर्स रूपीज के रूप में। जो मटेरियल वहाँ पर लिखा हुआ है 1,25,000 रुपये, ये मटेरियल कंज्यूम है। जब भी कभी मटेरियल कंज्यूम मिल जाता है तो मटेरियल्स इन हैंड, मटेरियल डिस्ट्रॉयड, मटेरियल एट साइट, इन सब के टोटल को इस कंज्यूम में जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जितना मटेरियल होगा उसी को ही हम टोटल डेबिट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पर दो ही मटेरियल है, एक तो कंज्यूम है, एक इन हैंड वाला दिया है, तो 40,000 यानी 40,000 और 125 को जोड़ करके 165,000 का मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट पर शुरू में लगाया गया। जो मटेरियल बच गया 40,000 का, 40,000 का, उसको हम क्रेडिट साइड में इसको लिखेंगे। अब आपको ध्यान देना होगा, अगर मटेरियल कंज्यूम या यूज्ड शब्द का प्रयोग होगा तभी हम यहाँ पर मटेरियल यूज्ड या कंज्यूम में मटेरियल इन हैंड या मटेरियल डिस्ट्रॉयड या मटेरियल एट साइट, मटेरियल सोल्ड, इन चारों को जोड़ करके इसमें लिखेंगे, क्योंकि हम डेबिट में उसी मटेरियल को लिखते हैं जो सबसे पहले शुरू में जो कॉन्ट्रैक्टर है वो लगाता है ठेके पर। तो यहाँ पर कंप्लीट टोटल यहाँ पर लिखना होगा।
और जो बच जाए, नष्ट हो जाए, वापस चला जाए, साइट पे बच जाए, उन सबको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इसके बाद दूसरा खर्चा आता है आगे बढ़ने पर, वेजेज। यहाँ पर वेजेज लिखा है जो कि 60,000 का है, यानी 60,000 का टू वेजेज हम 60,000 का लिखेंगे। अगला खर्चा है इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस 64,000, प्लांट परचेज 80,000। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस 64 हो गया, प्लांट 80,000 का हो गया है। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड ऑन 30 सितंबर 2019 एंड द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज ड्यूली रिसीव्ड, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 20% एंड चार्ज्ड इन डायरेक्ट एक्सपेंसेज 20% ऑफ वेजेज। तो अब हम देखेंगे कि जो यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है, ये वेजेज का यानी 60,000 का 20% काट देंगे तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज आ जाएगा, और ये जो प्लांट है इसका 20% काट के बचा हुआ प्लांट हम वापस कर देंगे तो प्लांट एट साइट यानी बाई प्लांट एट साइट के नाम से 80,000, इसमें से इसका 20% यानी 16,000 रुपये डेप्रिसिएशन के रूप में कट जाएगा। तो जो प्लांट बचेगा वो 64,000 का प्लांट बच जाएगा। इसके बाद कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट के नाम से कॉन्ट्रैक्ट का पूरा 5,00,000 रुपया डाल देंगे, जो कि जितने रुपए का ठेका था। अब हम क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को घटा के चेक करेंगे फ़ायदा हुआ या नुकसान। अगर डेबिट साइड यानी खर्चे ज़्यादा होंगे और ये क्रेडिट साइड में इनकम कम होगी तो नुकसान होगा, और यहाँ पर बाई नेट लॉस या प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से लॉस लिख देंगे। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा और डेबिट साइड कम होगा तो इसका मतलब इनके पास प्राप्तियाँ ज़्यादा हुई हैं, खर्च कम हुए हैं, तो इनको फ़ायदा होगा, और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से प्रॉफिट लिख देंगे। तो यहाँ पर इस सवाल के मुताबिक 5,00,000 और ये 1,04,000, ये है तो 6,04,000 है, ये ज़्यादा है और ये कम है, तो 6,04,000 यहाँ और यहाँ लिखेंगे और 6,04,000 में से इन पांचों आइटम्स को घटाएंगे तो 2,23,000 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये प्रॉफिट का हिस्सा है ट्रांसफ़र कर देंगे। क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का पार्ट समाप्त हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ बोला गया है कॉन्ट्रैक्टीज का भी अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है। तो अब हम कॉन्ट्रैक्टीज का अकाउंट भी बनाएंगे और देखेंगे कि आखिर कॉन्ट्रैक्टी को किस प्रकार से लेजर में दिखाया जाएगा। तो जिस प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा गया है कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट, ध्यान से देखेंगे फॉर्मेट वही होगा, पार्टिकुलर्स रुपीज, पार्टिकुलर्स रुपीज वाला। इसमें जितने रुपए का ठेका है 5,00,000 रुपए, उसे डेबिट साइड में लिख देंगे टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के नाम से 5,00,000 रुपए, और इसको जितने रुपए मिले हैं क्योंकि ठेका पूरा हो गया तो 5,00,000 रुपए पूरे प्राप्त हो गए बाई कैश अकाउंट के नाम से, हम यहाँ क्रेडिट साइड में लिख कर इसको दोनों तरफ क्लोज कर देंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट दोनों ही कंप्लीट हो गया है। ऐसी ही वीडियोज को पाने के लिए धीरज सर कॉमर्स क्लासेस चैनल पर आइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स कंटिन्यू पाते रहिए। अगली वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2nd, 3rd, 4th क्रमशः इसी प्रकार से आगे बनाएंगे और आपके सामने लाएंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बच्चों का भला कीजिए, अपना भी भला कीजिए। दूसरे बच्चों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, शिक्षा का प्रसार प्रचार जितना ज़्यादा हो उतना ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, खुद के लिए भी औरों के लिए भी। बने रहिए, फिर लेकर आएंगे एक से ही महत्वपूर्ण वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।